हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 7 की प्रश्नावली 4.4 को शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहले समीकरण बनाने हैं और फिर समीकरण को हल करके हमें जो अज्ञात संख्या है, जो चर है, उसको हमें हल करके उसका मान निकालना है। तो आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट है, एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। तो मान लिया संख्या, माना संख्या बराबर है एक्स, संख्या को हमने एक्स मान लिया। उसके 8 गुणे में प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे। संख्या के 8 गुणे में x का 8 गुना हो जाएगा 8x, 4 जोड़िए, इसमें हमने 4 जोड़ दिया, आपको 60 प्राप्त होता है। तो बराबर आ गया किसके, 60 के। 8x जमा 4 बराबर 60। यहाँ से इसको हल करेंगे, 8x बराबर 60 घटा 4, 4 उधर जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 56। यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 56 भाग में 8, ये आ जाएगा हमारे पास काटने पर 7, तो एक्स का मान आ जाएगा 7। तो समीकरण हमारा बन गया 8x जमा 4 बराबर है 60, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। और अज्ञात जो था हमारे पास, अज्ञात था हमारे पास एक्स, एक्स का मान हो जाएगा 7। तो ये ए पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद है इसका बी पार्ट, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो माना संख्या, संख्या मान लेंगे हम एक्स है, कोई भी ले सकते हैं, ए मान लो, एक्स या वाई कुछ भी। प्रश्नानुसार इसका 1/5, एक्स का 1/5 घटा 4 हमें 3 देता है। तो बराबर 3 हल करेंगे, x/5 घटा 4 बराबर 3। यहाँ से हमारे पास x/5 बराबर हो जाएगा 3 जमा 4, यानी 7। x/5 बराबर है 7, हमें निकालना x का मान। x क्या हो जाएगा, इधर 7 है, ये 5 भाग में है, उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 7 गुणा 5 35, x का मान 35। तो ये अज्ञात हमारे पास x, उसका मान आ गया 35, और हमारा समीकरण हो जाएगा x/5 घटा 4 बराबर 3। सी पार्ट है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। तो संख्या लेंगे कि माना संख्या, संख्या हमने ले ली x। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार संख्या का 3/4, x का 3/4 होता है 3/4, लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें हमने 3 जोड़ दिया, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 21 बराबर हो गया 21। इसको आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा 3x/4 बराबर 21 घटा 3, 3 उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 21 में से 3 गया 18, यहाँ से हमारे पास आ गया 3x/4 बराबर 18। इसकी हम आर पार गुणा कर देंगे, 18 को 18/1 लिख सकते हैं, आर पार गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3x/1, 3x/18 × 4 72, और यहाँ से हमारे पास x का मान हो जाएगा 72 भाग में 3, 3 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 24।
एक्स बराबर 24। नेक्स्ट पार्ट है डी, पढ़ते हैं इसको। जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। किसी संख्या के, तो माना संख्या, संख्या में मान ली बराबर है x। अब प्रश्न के अनुसार संख्या के दुगुने में से, प्रश्नानुसार इस संख्या का दुगुना, x का दुगुना 2x, 11 को घटा दिया, घटा के 11 तो मुझे 15 प्राप्त हुआ, तो बराबर आएगा 15। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 15 जमा 11, 11 उधर जाएगा, जमा हो जाएगा 15 11 26, 2x बराबर 26, तो x बराबर 26 भाग में 2। इधर x के साथ 2 गुणा है, बराबर से इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 26 को 2 से भाग देंगे 13 आएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 13, और हमारा समीकरण हो जाएगा 2x माइनस 11 बराबर 15। ई पार्ट है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। अब अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या मान लिया, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, मान के चलेंगे बराबर x। अब क्या कहा इसने, 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगने को घटाया। प्रश्नानुसार पचास में से घटाया अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को, x का 3 गुना 3x, उसे 8 प्राप्त होता है, तो बराबर हो जाएगा 8। यानी उसने 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का 3 गुना घटाया तो उसे 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारे पास 50, 8 को इधर लेके आएंगे घटा हो जाएगा, बराबर 3x को इधर लेके जाएंगे घटा का है तो जमा का हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 50 में से गया 8, 42 बराबर 3x, यह लिख सकते हैं कि 3x बराबर 42। यहाँ से हमारे पास x का मान हो जाएगा 42/3, 14, तो x बराबर 14, ये आंसर हो जाएगा। एफ पार्ट है, इबेन हल एक संख्या सोचती है, उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, तो माना संख्या, जो उसने संख्या सोची है वो मान लिया क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार उसमें 19 जोड़कर, x के अंदर 19 जोड़ करके उसको 5 से भाग देती है, ये सारे को हमने 5 से क्या दे दिया, भाग, तो क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। इसको हल करेंगे आर पर गुणा करने पर, आर पर गुणा इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स जमा 19 गुणा 1, यानी एक्स जमा 19 बराबर 8 गुणा 5 40। यहाँ से हमारे पास एक्स बराबर आ जाएगा 40 घटा 19, ये आएगा 21, तो एक्स का मान आ गया हमारे पास 21। या अगर आप यहाँ से आर पार गुणा नहीं कर सकते तो एक तरीका हमारे पास दूसरा भी है कि आप पहले इस 5 को उधर लेके जाइए, एक्स जमा 19 बराबर हो जाएगा 8, 5 भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 40। फिर यहाँ से हम 19 को लेके जाएंगे, एक्स बराबर 40 घटा 19 21, तो किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। जी पार्ट है,
अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे यानी घटा दे, तो परिणाम 23 है। तो माना उसके द्वारा सोची गई संख्या, तो मान लिया हमने कि अनवर द्वारा सोची गई संख्या, उसको मान लिया हमने एक्स। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार क्या दिया हुआ है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से एक्स के 5/2 यानी एक्स गुणा 5/2 7 निकाल दे, घटा कर दे 7, तो उसे 23 मिलता है। परिणाम आता है 23, तो बराबर हो जाएगा 23। यहाँ से इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 5x/2 घटा 7 बराबर 23। यहाँ से 5x/2 बराबर 7 को उधर लेके जाएंगे, जमा हो जाएगा 23 और 7 30, तो 5x बराबर हो जाएगा 2, उधर जाएगा भाग में है गुणा में हो जाएगा, 30 गुणा 2 60, 5x बराबर 60। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60 भाग में 5, क्योंकि 5 इधर गुणा में है, उधर भाग में हो जाएगा 60/5, यह आएगा 12, x बराबर 12। तो यहाँ पर जी पार्ट कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसका ए पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। आइए पढ़ते हैं पहले। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं? तो मान लेंगे हमें जो निकालना है, कि माना प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक जो हमें निकालना है, उसी को हम मान के चलेंगे कि हमने मान लिया कि न्यूनतम अंक है वो x है। अब प्रश्नानुसार अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो जो अधिकतम अंक हो जाएंगे, अधिकतम अंक वो किसके बराबर होंगे? न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7, न्यूनतम अंक x है इसका 2 गुना जमा 7, और ये दिया हुआ है कि अधिकतम अंक है वो 87 है, ये भी हमारे अधिकतम अंक हैं और 87 भी अधिकतम अंक है, तो 2x जमा 7 बराबर हो जाएगा 87। इसको हमें अब हल करना है, समीकरण हमारे पास बन चुके हैं, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 87 घटा 7 80। 2x बराबर 80, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर हो जाएगा 80/2 40, तो x का मान हमारे पास आ गया 40, तो न्यूनतम अंक हो जाएंगे 40, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक बराबर है 40। बी पार्ट है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में एक आधार कोण में बराबर होते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार के कोण क्या हैं? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हों और दो कोण भी क्या होंगे, बराबर। मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पर, समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर। तो ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे। शीर्ष कोण दे रखे हैं हमें 40 डिग्री, शीर्ष कोण है ए, ये है 40 डिग्री का। तो हमें बताना क्या है, इसमें आधार कोण क्या होंगे, यानी हमें कोण बी और कोण सी का मान बताना है। तो त्रिभुज के अंदर क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़, यानी कोण ए,
जमा कोण बी जमा कोण सी, तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। त्रिभुज कैसी भी हो उसके तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 आएगा। तो यहाँ पर हमें कोण ए दे रखा है 40 डिग्री का, और कोण बी और कोण सी दोनों क्या हैं बराबर, क्योंकि दोनों आधार कोण हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मान ऊपर रखेंगे इसके अंदर समीकरण नंबर एक में मान रखेंगे। तो आइए मान रखते हैं, ए का मान रख दिया हमने 40 डिग्री, जमा बी जमा सी। अब सी की जगह मैं बी रख सकता हूँ या बी की जगह सी रख सकता हूँ। तो मैंने बी को तो भी रख लिया, जहाँ पर सी था उसकी जगह मैंने रख लिया बी, क्योंकि सी और बी दोनों क्या हैं बराबर। तो मैं सी की जगह रख लूँगा बी बराबर 180। समीकरण एक से ये मान मैंने समीकरण नंबर एक में रखा है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री जमा कोण बी जमा कोण बी, दो बार हो जाएगा, दो कोण बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास दो कोण बी यानी कोण बी का दुगना बराबर 180, 40 उधर जाएगा घट जाएगा, तो दो कोण बी बराबर 140 यानी कोण बी का दुगना 140 के बराबर है। तो यहाँ से कोण बी कितना हो जाएगा, 140 बटे 2, ये 2 इधर आ जाएगा 70। कोण बी का मान है 70, और कोण बी और सी दोनों क्या हैं बराबर। तो कोण बी 70 है तो कोण सी भी कितना होगा, कोण सी भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि कोण बी बराबर है कोण सी। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों कोण आ जाएंगे, कोण ए हमारा दे रखा था 40 डिग्री, कोण बी हमने निकाल दिया 70 डिग्री, कोण सी भी निकाल दिया 70 डिग्री। इन तीनों को जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास 180 ही आएगा। सी पार्ट को पढ़ते हैं, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम हैं। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। अब शतक होता है 100, तो दोहरा शतक होगा 2 शतक यानी कि 200। तो इसमें हमें प्रत्येक द्वारा बनाए गए रन बताने हैं। तो हम मान के चलते हैं कि माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, मान लेते हैं हम किसी एक खिलाड़ी के कि माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, हमने मान लिया एक्स के राहुल ने एक्स रन बनाए, तो सचिन किरण कितने हो जाएंगे, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी। देखो प्रश्न के अंदर, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। एक्स का दुगना 2x, ठीक है। इसके बाद दोनों ने मिलकर कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम बनाए, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, दोनों के जो रन हैं वो कितने हैं, एक्स राहुल के 2x सचिन के, 3x रन। और ये प्रश्न में दे रखा है कि दोनों ने जो रन बनाए हैं मिलकर के वो रन किसके बराबर हैं, वो रन बराबर हैं दोहरे शतक से 2 रन कम। दोहरा शतक यानी कि एक शतक में 100, तो दोहरे शतक में 2 गुणा 100 200, उससे कितना कम, 2 रन कम, तो घटा 2। और ये रन है कुल रन जो दोनों ने मिलके बनाए हैं, तो दोनों के कुल रन कितने हैं 3x, वो हमारे पास हैं 3x। तो 3x बराबर इसके हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे आगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3x बराबर 200 घटा 2, 3x बराबर 200 घटा 2, तो ये आएगा 200 में से 2 गया 198, 3x बराबर है 198। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर हो जाएगा 198 भाग में 3,
ये आएगा 66। तो एक्स का मान हमारे पास आ गया 66। तो राहुल द्वारा बनाए गए रन, राहुल के जो रन हैं, जो राहुल ने रन बनाए वो हैं कितने माने थे हमने, एक्स 66। तो सचिन के रन कितने हो जाएंगे, सचिन के रन थे इसका 2 गुना, 66 का 2 गुना, यानी 2 गुना 66 132 रन। तो हमने दोनों के रन निकाल दिए, राहुल के 66 और सचिन के 132।